हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ए टू जेड हाउस डिजाइनिंग। इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, और जो कि बहुत ही लेटेस्ट हाउस डिजाइनिंग होती है ना, वो वाली मैं अपलोड यहाँ पे करता रहता हूँ। अभी तक के अगर आपने वीडियो मेरे देखे हों तो आपको पता होगा मैं कैसा डिजाइन करता हूँ और किस तरीके से वीडियो अपलोड करता हूँ। आज मैं आपके लिए 15x30 का एक हाउस डिजाइन करके लाया हूँ, जिसमें कार पार्किंग भी है और प्लस दुकान भी है और घर भी बना है। पूरा कंप्लीटेड है, टू फ्लोर कंप्लीटेड है, एक तलघर बना हुआ है, आप देख सकते हैं जैसे दिख रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है, तो अगर आप हमारे पहले भी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कर देना है। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 15x30 का पूरा कंप्लीटेड बना हुआ, देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, देख लीजिए। अब मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ कि कार पार्किंग कहाँ से होनी है और कितने बड़ा गेट लगा हुआ है और दुकान कितने बाई कितने की है और गैलरी कितने बाई कितने की है और बाकी का आपका रूम वूम शायद जो कुछ भी है सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी भी चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मैं आपको बेसिक जानकारी देना है, आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये आपका तलघर, यहाँ से कार पार्क होगी, नीचे जाएगी, ये पूरा पूरा हॉल मैंने दिया है यहाँ पे। आप आराम से कार, एक नहीं पांच पांच कार आराम से पार्क कर सकते हैं, पूरा हॉल दिया है। अगर आपकी दुकान ऊपर है तो आप दुकान यूज करते हैं, तो आप अगर बड़ी दुकान है तो आप ना यहाँ पे शोरूम दुकान का बना सकते हैं। अब बात आती है दुकान की। अब यहाँ से आपको ऊपर जाना है, ये 5 फीट का दिया हुआ है मैंने, यहाँ से ऊपर जाना है 5 फीट का, ये जीना है। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आपको दुकान मिलेगी, ये छज्जा है ना, ये 2.5 फीट का दिया हुआ है मैंने, आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, वैसे 2.5 फीट का कम्फर्ट है। दुकान का साइज है, ये दुकान का साइज है 10x15, दुकान का साइज 10x15 है। और ये गैलरी है 5 फीट की, इधर से आपको अंदर आना है। अंदर आने के बाद मैंने जस्ट सामने एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड बनाई है यहाँ पे, और कुछ नहीं यहाँ पे बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जीना दिया हुआ है, और ये लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड की इसका साइज है 4x6 इसका साइज है। उसके बाद मैंने ये जीना दिया है, जीना के बाद ऊपर, जीना से आपको ऊपर आना है, देख सकते हैं आपको इस तरह ये जीना दिया हुआ है, यहाँ से ऊपर आना है, इस तरह देख सकते हैं आप कैसा जीना है, देख लीजिए जीना दिया हुआ है। आने के बाद आपको तुरंत उसके बगल में एक प्यारी सी किचन मिलेगी 6x7 की किचन मिलेगी, और आपको यहाँ पे पूरा खुला हुआ है मिल जाएगा। यहाँ पे आप आराम से बैठक कर सकते हैं, या फिर आराम से लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कोई आपका प्रोग्राम है तो यहाँ पे आराम से आप पूरा कार्यक्रम कर सकते हैं। और ये लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड है 6x4 की, और ये बेडरूम है 12x15 का, ये 12x15 का एक बेडरूम बनाया हुआ है। उसके बाद बालकनी है, ये बालकनी का साइज है 3 फिट का, ये बालकनी है 3x15 की पूरी, 3x15 की बालकनी है पूरी, देख सकते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। उसके बाद बात आ जाती है हटिया की, यहाँ से आपको ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद आपको पूरी हटिया मिल जाएगी कंप्लीटेड बनी हुई, हाँ तो देख सकते हैं आप पूरी छत कंप्लीटेड हुआ है, देख लीजिए आप कितना प्यारा सा लग रहा है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना है, और आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं आपको कैसा लगा। अगर आप भी अपना कोई हाउस डिजाइन कराना चाहते हैं कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं कि आपका साइज घर का कि आपका घर का साइज क्या है, तो मैं आपका हाउस डिजाइन कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।